and there is a main course. This is in-house food, which is they prepare here. There is a dal chawal as well. रात को सोने से चार घंटे पहले कम से कम, उसके बाद आपको खाना जो है वो नहीं खाना चाहिए, तो आप सेहतमंद भी होंगे और इस मुल्क का ज़बरदस्त असासा भी बने। सियासत के बारे में कुछ अंदर की चीज़ें हमें उन्होंने बताई हैं, हमारी काफ़ी उनके साथ डिटेल से बात हुई कि पिछले दिनों में पाकिस्तान में क्या एक्टिविटी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, द शेफ्स वे में आबिद शरीफ आपको खुश आमदीद कहता है, वेलकम मरहबा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फेयर मॉन होटल शेख जायद रोड पे, और आज हम बहुत ही स्पेशल आदमी से बात करेंगे। आज हम उनके साथ खाना शाना भी खाएँगे और आपको उनका सेहत का राज भी बताएँगे। और पाकिस्तान के एक्स गवर्नर हैं पंजाब के, चौधरी सरवर साहब, उनसे आज हम मुलाकात भी करेंगे और गपशप भी करेंगे। आज हमारी उनके साथ मीटिंग है, तो आएँ हमारे साथ चलते हैं। दिस इज़ द होटल इंट्रेस। Now I enter to the hotel and I will take you to the room and which apartment is living. हम चलते हैं ऊपर, और ऊपर जाने के लिए जो है हम लिफ्ट से जाएंगे। हम जा रहे हैं 34 फ्लोर पे, क्योंकि चौधरी साहब जो हैं वो 34 फ्लोर पे रह रहे हैं और अब हम ऊपर जाएंगे। जी, तो अभी हम जा रहे हैं चौधरी सरवर साहब के पास और उनसे आज हम गपशप करेंगे। काफ़ी उन्होंने वेट कम किया हुआ अपना। जी, तो मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं चौधरी सरवर साहब, एक्स गवर्नर हैं और हमारे बुज़ुर्ग भी हैं। आजकल माशाल्लाह इनको काफ़ी अरसे के बाद इनसे मुलाकात हुई है, तो थोड़ा सा जो है ना वो सेहत में हम देख रहे हैं कि बहुत निखार आया है, बहुत ही थोड़ा सा जो है वो है ज़्यादा, पहले थोड़ा सा वेट था तो अभी थोड़ा सा कम हुआ। तो सर ये वेट के बारे में बताएं और व्यूवर्स देखें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं पहले तो अपने तमाम भाइयों को, दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप सेहतमंद होंगे तो आप बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। तो सेहत जो है इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और सेहत पे तवज्जो देने के लिए एक तो अपनी डाइट जो है उसको कंट्रोल करना चाहिए, और दूसरा एक्सरसाइज जो है, वर्जिश जो है वो की है फॉर गुड हेल्थ। खाना के बारे में सिर्फ मैं यही कहूँगा कि रात को सोने से चार घंटे पहले कम से कम, उसके बाद आपको खाना जो है वो नहीं खाना चाहिए। फ्रूट भी नहीं लेना चाहिए, सिर्फ लिक्विड जो है वो आप ले सकते हैं। तो फैटी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, फिजी ड्रिंक्स जो हैं उनसे परहेज़ करें, तो आप सेहतमंद भी होंगे और इस मुल्क का ज़बरदस्त असासा भी बनेगा। और सर थोड़ा सा ब्रेकफास्ट में बताइए कि ब्रेकफास्ट में कौन सी ऐसी। मैं तो ब्रेकफास्ट नॉर्मल मैं जो है ऑमलेट लेता हूँ। अच्छा, या फिर मैं सीरियल लेता हूँ और एक टोस्ट, बस ये मेरा नाश्ता। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। फेयरमॉन होटल की बात करें तो ये यहाँ पर सैलड्स वगैरह हैं, यहाँ पर डेजर्ट्स। यू कैन सी द फेयरमॉन होटल एंड देर इज़ द मेन कोर्स। दिस इज़ इन हाउस फूड विच इज़ दे प्रिपेयर हेयर। देर इज़ अ दाल चावल एज वेल एंड सम फ्राइंग आइटम एंड देर इज़ अ कोकोनट फिश एंड दिस इज डिफरेंट काइंड ऑफ फूड दे आर प्रिपेयरिंग हेयर। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है यहाँ पर सेटअप इनका लगा हुआ है। ये फ्रूट्स हैं और उसके साथ सैलेड हैं, यहाँ पर बहुत ही मज़े का बुफे लगा हुआ है। जी गाइस, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैफ़े शुशी है यहाँ पर फेयरमॉन के अंदर, और यहाँ पर जो है ये डिस्प्ले आप देखें, यहाँ पर जो है वो लाइव जो है वो शुशी बनाते हैं फॉर द कस्टमर। इन हाउस कस्टमर भी होते हैं और आउटसाइड द विजिटर भी आते हैं। शेफ अभी एवोकाडो डाल रहे हैं, इसमें स्लाइसेस ऑफ एवोकाडो के हैं वो इसमें ऐड कर रहे हैं, और उसके साथ फ्राइड प्राउन है और उसको जो है कवर कर दिया है, उसके ऊपर सालमन लगा दिया उन्होंने, टू लुक्स गुड। ये देखें उन्होंने स्लाइस किस तरीके से किए हैं, उसके ऊपर लगाया क्लीन फिल्म
और फिर उन्होंने इसके स्लाइस कर दिए। Shushu is ready and now is going to burn. जी गाइस, तो आज बहुत ही अच्छा लगा चौधरी सरवर साहब से मिलके। सियासत के बारे में कुछ अंदर की चीज़ें हमें उन्होंने बताई हैं जो कि हम नहीं समझते कि हमारा ये राइट प्लेटफॉर्म है कि आपके साथ हम वो चीज़ें डिस्कस करें। हमारी काफ़ी उनके साथ डिटेल से बात हुई कि पिछले दिनों में पाकिस्तान में क्या एक्टिविटी हुई है। तो बहुत ही अच्छा लगा आज का दिन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।